हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन, कंसीडर अ न्यूट्रॉन मास एम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई एंड फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी। लेट लैम्डा एन एंड लैम्डा पी बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन रेस्पेक्टिवली। देखो, न्यूट्रॉन की तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और फोटोन की वेवलेंथ है, बस केवल ऐसा बोला है। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा एन बटे लैम्डा पी। सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन में ये जानकारी गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ये दोनों बराबर है। और कितनी गिवन है? ई गिवन है बेटा। ठीक है, ये हमें इक्वल में गिवन है। पहले न्यूट्रॉन की बात करिए तो फॉर न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन लैम्डा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन लीनियर मोमेंटम होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम। चाहो तो ऐसे भी ले देते हैं एच अपॉन एम बी, है ना। लेकिन इसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा बेटर है। कैसे करें? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू होता है पी स्क्वेयर अपॉन टू एम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पहले इसे प्रूव कर लेते हैं, पर डायरेक्टली पता होना चाहिए। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये, वैसे तो ये हाफ एम बी स्क्वायर होता है और लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एक एम का ऊपर कर लो मल्टीप्लाइड और एक एम का नीचे मल्टीप्लाइड कर दो। ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसे लिख सकते हैं हम। देखो एम बी का पी, तो पी स्क्वेयर अपॉन टू एम की काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन यहां से अगर लीनियर मोमेंटम निकालूं तो टू एम काइनेटिक एनर्जी, तो पी इज इक्वल टू रूट के अंदर टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए लीनियर मोमेंटम की जगह पर लिख सकते हैं लैम्डा न्यूट्रॉन की एच अपॉन रूट के अंदर टू एम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दे रखिए ई, क्वेश्चन में गिवन है न्यूट्रॉन मास एम काइनेटिक एनर्जी ई, तो इसीलिए इसको लिख सकता हूं एच अपॉन रूट के अंदर टू एम का मास भी रखा है न्यूट्रॉन का एम, काइनेटिक एनर्जी की भी लिख दिया ई। ये तो फर्स्ट केस हो गया। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। एक एंड फॉर फोटोन, यहां फोटोन की एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू होता है और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, इसीलिए एच सी अपॉन लैम्डा। और फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा पी गिवन है इसमें, लेकिन इसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं कहा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन कहा है बस केवल रेस्पेक्टिवली, है ना। तो लैम्डा पी कह दिया, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। ये यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बराबर दे रखा था, गिवन है, सेम है। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन नंबर, यहां से लैम्डा फोटोन निकाल लो बेटा, एच सी अपॉन ई ले सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर दो। अब डिवाइड कर लो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो लैम्डा न्यूट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ फोटोन का रेशियो पूछा है, तो ये तो हमारी एच अपॉन रूट के अंदर टू एम ई है और ये वाली वैल्यू एच सी अपॉन ई है। तो देखो एच से तो एच कट गया, ई सबसे ऊपर जाएगा और ये दोनों एक साथ आएंगे, है ना, मैथमेटिक्स कहता है ये। तो ई तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया रूट के अंदर टू एम ई और सी बाहर है बेटा रूट से, दिख रहा है ऐसे।
अब देखो ये रूट ई है और ये ई है, तो हम जानते हैं अगर टू हो नीचे रूट टू हो तो ये कट जाकर तो रूट टू बार कटता है, ऐसे ही ये बार आया इससे कट गया रूट बार, तो ये ऊपर वाला भी रूट में हो गया और नीचे तो रूट में था ये टू एम और सी बार है ऐसे, तो इसे ऐसे ले सकते हैं हम, यहां ले देता हूं लेमडा न्यूट्रॉन बटे लेमडा प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये पूरा रूट में ले सकते हो रूट के अंदर E अपॉन टू एम। अब अगर C को इसके रूट के अंदर लाओगे तो टू एम सी स्क्वायर ले सकते हो बेटा, देखो रूट के अंदर ले आए, अब सी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो तो वन अपॉन सी लिख दोगे, तो ऐसे ले सकते हो, तो ये इसका आपका एक्सप्रेशन बनेगा, आपको यही छोड़ना है ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई लैम्डा प्रोटॉन, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।